अपने फेवरेट स्टार से इंस्पायर होना तो कोई नई बात नहीं है. वी सी अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज, वी लाइक सम, वी एडमायर सम, एंड वी गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम सम. लेकिन सेलिब्रिटीज का अपने फैंस से इंस्पायर होना बहुत नई बात है ना, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, सेलिब्रिटीज अपने फैंस के प्यार को एक्नॉलेज करते हैं, उनके फैंस के प्यार को जो है लूटते हैं, लेकिन उनसे इंस्पिरेशन बहुत कम लेते हैं. ऐसे में निया शर्मा ने ली है अपनी नन्ही सी फैंस से इंस्पिरेशन एंड इंस्पायर्स अस इन रिटर्न. क्या है पूरी खबर, चलिए बताती हूँ इस वीडियो के अंदर. हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी. निया शर्मा इज वन ऑफ द मोस्ट कैंडिड पर्सन इन द होल टीवी टाउन. वो बहुत ज्यादा जो है कैंडिडली अपने फीलिंग्स को सामने रख देती हैं. शी डज नॉट शाई अवे फ्रॉम स्पीकिंग व्हाट शी फील्स. और ऐसे में निया शर्मा जो है अपने फैंस को भी एक अलग ही नजर से देखती हैं. अगर उनको कहीं पर इंस्पिरेशन नजर आती है, उनको कुछ पसंद आता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं शर्माती हैं ये बोलने में, दैट आई एम लाइकिंग दिस एंड आई एम गोना डू दिस. अब ऐसे में उनका जो नया गाना आया है तुम बेवफा हो, जिसको बहुत सारा प्यार मिल रहा है ऑडियंसेस का, अर्जुन बिजलानी के साथ इसमें वो स्टार कर रही हैं, उस पर एक नन्ही सी फैन ने निया की उस गाने को रिक्रिएट करते हुए काफी सेमी क्लासिकल फॉर्म को जो है दर्शाया है इस गाने पर, जिसके बाद निया इस पूरे एक्ट से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई हैं और इंस्पायर भी हो गई हैं कहीं ना कहीं, और कह रही हैं दैट आई विल हैव टू डू दिस नाउ. वो ये चीज को रिक्रिएट करना चाहती हैं जो उनकी नन्ही फैन ने किया है, उसी के पदचिन्हों पर चलकर जो है एक रिक्रिएशन करना चाहती हैं ऑफ ओन सॉन्ग विच इज रिसीविंग अ लॉट ऑफ लव. एंड दिस थिंग अबाउट निया इंस्पायर्स अस कि किस तरीके से वो छोटे से छोटे इंसान से भी ले सकती हैं इंस्पिरेशन. शी डज नॉट सी एज, शी डज नॉट सी एनी बडी कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या है उनका बैकग्राउंड. शी जस्ट सीज प्योर टैलेंट एंड प्योर कैपेबिलिटीज, और उसके बदले पे वो जो है सभी को प्यार देती हैं. क्या कहना चाहेंगे आप लोग निया शर्मा के बारे में और उनकी इन इंस्पिरेशंस के बारे में, जल्दी से लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में. बाकी मैं से जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं लगातार इसी तरीके से आप तक पहुंचाते रहेंगे.